और अब आपको बताएंगे मोटरवे पुलिस शाहराहों को महफूज सर बनाने के लिए मुतहरिक। हादसात में मुलविस ट्रांसपोर्ट कंपनियों का मोटरवे पर दाखिला बंद करने का फैसला। ऑयल टैंकर में डैशबोर्ड कैमरा और सेंसर रेडार नस्ब करवाने का भी हुक्म है। डीआईजी मोटरवे मोहम्मद सलीम की ऑयल टैंकर कंपनियों के नुमाइंदगान से मीटिंग हुई है। इस मौके पर डीआईजी मोटरवे मोहम्मद सलीम का कहना था कि जदीद आलात के नस्ब होने से हादसात की रोकथाम में मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत तालीम के फरोग के लिए कोशां। तालीम प्रोग्राम के तहत 14 अजला में फंड जारी कर दिए गए हैं। आफ्टरनून स्कूलों के लिए 41 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं। प्राइमरी और मिडिल सतह पर 1000 स्कूलों को चलाया जा रहा है। मजकूरा अजला में सरगोदा, मुल्तान, खानेवाल शामिल है। महकमा स्कूल एजुकेशन का स्कूल सरबराहान को फंड जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत तालीम के फरोग के लिए कोशा है। तालीम प्रोग्राम के तहत 14 अजला में फंड जारी कर दिए गए हैं। आफ्टरनून स्कूलों के लिए 41 करोड़ के फंड जारी किए गए हैं, जबकि प्राइमरी और मिडिल सतह पर 1000 स्कूलों को चलाया जा रहा है। मजकूरा अजला में सरगोदा, मुल्तान, खानेवाल शामिल है। महकमा स्कूल एजुकेशन का स्कूल सरबराहान को फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। अब बात करेंगे महंगाई के हवाले से। ऊट शरीफ में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। एक दिन में चीनी की 50 किलो थैले की कीमत में 500 रुपए का इजाफा हो गया। मार्केट में चीनी 125 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद देखेंगे सजाद हुसैन की रिपोर्ट में। ऊट शरीफ में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं आ रहा। 50 किलो चीनी के थैले की कीमत में 500 रुपए का इजाफा। चीनी की परचून कीमत भी 5 रुपए फी किलो बढ़ा दी गयी। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरों ने हुकूमत से महंगाई काम करने के दावों के बजाय अमली इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इस हुकूमत की जो नजरें हैं ना, वो अपने सरकारी मुलाजमीन पर हैं। उसकी नजरें गरीब पर नहीं है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन गरीब को क्या फायदा मिल रहा है, गरीब को क्या रिलीफ मिल रहा है? गरीब को तो कोई रिलीफ नहीं है। उसको तो दिहाड़ी वही है, 500 रुपए भी देते हैं, 600 रुपए में आटा लें, चीनी लें, घी लें, क्या लें। शहरों का मानना था कि शायद खुर्दनोश की कीमतें उनकी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। हमारी अपील है इस गवर्नमेंट से कि कोशिश करें कि गरीब को रिलीफ देने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। सरकारी मुलाजमीन से के साथ साथ इनको भी अपने जो भी समझें, आवाम समझें, जो भी समझें, उसके देख के महंगे को कंट्रोल करें। बढ़ती महंगाई में दो वक्त तो क्या, बच्चों को एक वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो गया। महंगाई को लगाम डालने की हुकूमतें कोशिशें फिलहाल नाकाम नजर आती हैं। हुकूमत दावों के बजाय महंगाई के खिलाफ अमली इकदाम उठाकर आवाम को रिलीफ फराम करे। कैमरा टीम के हमरा सजाद हुसैन, रोही, उच शरीफ। अब आपको बताएंगे मुल्तान में एयर कूलर की मांग बढ़ते ही कीमतें आसमान पर पहुंच गई। गुज़श्ता साल 12,000 रुपए का मिलने वाला एयर कूलर अब 20,000 में दस्तियाब है। गरीबों के लिए गर्मी अच्छी ना सर्दी। फराज रमजान की रिपोर्ट में देखेंगे। मुल्तान में एयर कूलर की मांग बढ़ते ही कीमतों को पर लग गए। एयर कूलर महंगे दामों फरोख्त होने लगे। दुकानदारों के साथ खरीदार भी परेशान। शहरियों का कहना था कि गर्मी बहुत तेज है, घर के लिए एयर कूलर लेने आए हैं, लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा है। कूलर बहुत महंगे हो गए, गर्मी के लिहाज से गर्मी बहुत हो गई है। हम कूलर लेने के लिए आए थे, जो 15,000 ले आए हैं, जो कूलर पसंद आया वो अब 20,000 का हो गया, बहुत ही महंगे हो गए हैं। दुकानदार शेख अकरम हकीम का कहना था जो कूलर पहले 12,000 का था, इस सीजन 20,000 का हो गया है। रवां सीजन के दौरान कीमतों में 5 से 10,000 रुपए का इजाफा हुआ है। कूलर है, एसी है, फ्रिज है, पंखा है, जो भी, बल्कि गर्मी के अलावा भी कोई आइटम है, वो भी अगर पिछले साल एक कूलर अगर 12,000 का था, वो अब 20,000 का हो गया। तो 20,000 का था वो अब 33-34,000 रुपये का हो गया। कूलर भी हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि वो इन पे नज़रसानी करे। मार्केट में ग्राहक आते हैं और कीमतें सुनकर परेशान हो जाते हैं। हुकूमत फौरी तौर पर खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ फराज रमजान, रोहित मुल्तान। और अब रंगपुर इंतजामिया की नाहली की बात करेंगे। अद्वियात की ब्लैक में धड़ल्ले से फरोख्त जारी। इलाज जारी रखना मुश्किल हो गया। मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई। दिमागी अमराज, मैदा, जिगर, बुखार और शुगर की अद्वियात नायाब हो गई।
राना परवेज अख्तर रिपोर्ट करेंगे। रंगपुर में अद्वियात की किल्लत और बढ़ती कीमतों ने मरीजों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। दिमागी अमराज, जिगर, मैदे और शुगर के मरीज अद्वियात के लिए मारे मारे फिरने लगे। टैगोल गोलियां 200 से बढ़कर 280 रुपए, सीजनल गोलियां 120 से 600 रुपए की हो गई। हैपमर सिरप 340 से 450, गियोस्कॉन 120 से बढ़कर 230 रुपए, जबकि वेन्यूमर इंजेक्शन 590 से 825, इंसुलिन 900 से 1200 और 1200 से 1800 रुपए तक की हो गई है। शहरी कहते हैं कि सियासतदान कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी जानेब माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। जी बिल्कुल, मरीज हमारे पास मेडिसिन लेने आते हैं तो रेट बहुत बढ़ गए हैं, तू तकरार ये रोज का मामूल बन गया है। मेडिसिन बहुत शार्ट हैं, जिगर की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, इंसुलिन बहुत शार्ट हैं। हमारा तो हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि इनको कंट्रोल किया जाए ताकि मरीज और हमारा जो है मामूल के मुताबिक रोजगार चल सके। शहरियों ने कहा कि अस्पताल से पहले ही अद्वियात नहीं मिल रही, अब बाजार से भी गायब हैं। अगर किसी मेडिकल स्टोर से मिल जाए तो दुगनी कीमत देना पड़ती है। जी अद्वियात लेने के लिए हम मेडिकल स्टोर पे आए हैं तो यहाँ आके पता चला कि जो उनकी कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। दवाइयों की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल करें, दवाइयों की दस्तियाबी को मुमकिन बनाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दुकानदारों ने कहा कि अद्वियात की ब्लैक में फरोख्त से ग्राहकों और दुकानदारों के माबैन झगड़ा मामूल बन गया। हुकूमत को सूरत हाल का फौरी नोटिस लेना चाहिए। डॉक्टर साहबान प्राइवेट अद्वियात लिख कर दे देते हैं, वो अद्वियात हालांकि पहले तो हमें अस्पताल में मुयसर होनी चाहिए। आवाम तो इतनी बदकिस्मत है, वो इधर जिधर लिख के देते हैं बाहर से भी नहीं मिलती वो दवाई। तो हमारी हुकूमत से ये मुतालबा है कोई किरदार की जान को छोड़कर कोई आवाम के बारे में भी सोचे। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात की किल्लत खत्म और कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। बहावलपुर में ठेकेदारों का एक्सन बिल्डिंग पर लाखों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम। ठेकेदारों का एक्सन बिल्डिंग मोहम्मद सरमद अख्तर के घर के बाहर एहतजाज। मुजाहरी ने रिश्वत की रकम वापस करने का मुतालबा कर दिया। ठेकेदारों की एक्सन बिल्डिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अनवर आदिल ने तहकीकत के बाद एक्शन लेने की यकीन दहानी करा दी। महमूद जहीर की रिपोर्ट में देखेंगे। महकमा बिल्डिंग के ठेकेदारों ने घर का भेदी होते हुए लंका ढा दी। अपने ही अफसर पर रिश्वत का इल्जाम लगाकर उसके घर के बाहर एहतजाज किया और रिश्वत की रकम वापसी का मुतालबा किया। 21% बिलो पे हासलपुर गर्ल डिग्री का लगा कॉलेज का काम है, उस पर हमने इसको पैसे नहीं दिए। वो अभी 3 मंथ हो गए हैं, उसके फंड भी मौजूद है, इसने हमें उसका वर्क ऑर्डर अलॉट नहीं किया क्योंकि हमने उसके पैसे नहीं दिए। जो बंदा इसको पैसे देता है फिर मजबूरी के तहत हमने अपने फर्मों के खर्चे हैं, सब कुछ खर्चे किए हुए हैं, ठीक है, ये एक्सन बिल नहीं करता, कहता मेरे अपनी डिमांड करता है मुझे इतने पैसे दिए जाएं। महकमा बिल्डिंग के अफसरों के तबादले की खबर। ठेकेदारों पर बिजली बनकर गिरी। ठेकेदार जिस अफसर के नाज नखरे उठाते नहीं थकते थे, एकदम उससे आंखें फेर ली। रिश्वत के बावजूद काम न होने और तबादले की वजह से आड़े हाथों ले लिया। हमने एक गर्ल डिग्री कॉलेज रिपेयर का काम था 4.5 लाख का, उसने इसका 1.5 लाख रुपए डिमांड किया मुझसे, ठीक है, और उसके बाद खैरपुर शेड का काम किया है टामे वाली में, उसका भी इसने यही डिमांड की हुआ है। इसी तरह जैसे जहाँ पे काम करते इसने पैसे मांगे हैं, जिस पे हमने नहीं दिए उसने वो नहीं दिए। ठेकेदारों ने आला अफसरान से मामले की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर महकमा बिल्डिंग अनवर आदिल ने तहकीकत के बाद एक्सियन के खिलाफ एक्शन लेने की यकीन दहानी करा दी। एक्सियन पर ठेकेदारों के इल्जाम ने साबित कर दिया है की महकमा हाईवे और बिल्डिंग में करोड़ों रुपए की करप्शन होती है, जिसे रोकने का बेहतरीन हल ई टेंडरिंग है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। भक्कर में आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर थाना चांदनी चौक का नाम तब्दील करके शहीद हयातुल्ला खान चांदनी चौक रख दिया गया। डीपीओ मोहम्मद नवीद ने शहीद की फैमिली के हमराह थाने का इफ्तिताह किया। असलम बलोच की रिपोर्ट देखेंगे। डीपीओ भक्कर मोहम्मद नवीद का कहना था, आईजी पंजाब की हदायत पर थाने का नाम शहीद हयातुल्ला खान चांदनी चौक रख दिया गया है। एसएचओ हयातुल्ला खान ने गुज़श्ता साल 19 जुलाई को खानसर रोड पर डाकुओं के साथ मुकाबले के दौरान जामे शहादत नोश किया। आज हम सबके यहाँ इकट्ठे होने का, अहले इलाका का, जो पुलिस हमारी यहाँ पर मौजूद है, सबका मकसद ये कि जो पंजाब पुलिस ने शहीद पैकेज का वादा किया हुआ है अपने पुलिस ऑफिशल्स के साथ, पुलिस ऑफिसर्स के साथ, उसके तकमील देख सकेंगे किस तरह से तकमील हुई है। शहीद के बेटे मोहम्मद वासिफ हयात का कहना था कि उन्हें अपने वालिद की शहादत पर फख्र है। आईजी पंजाब ने इस्लामाबाद में घर दिया, इमदादी रकूम के चेक दिए और एक मुलाजमत भी मिलेगी। थाने का नाम हयातुल्ला खान चांदनी चौक रखने से हमारे वालिद का नाम रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। ये फख्र है कि मेरे वालिद के नाम से इस थाने का नाम रखा गया है और हमारा सर फख्र से हमेशा बुलंद रहेगा और हमारी आने वाली नस्लों का सर भी फख्र से बुलंद रहेगा कि हमारे इलाके के थाने का नाम हमारे वालिद के नाम से मंसूब है।
आईजी पंजाब ने शहीद एसएचओ की फैमिली से मुलाकात की और उनके घर की चाबियां और मालकाना हकूक के कागजात फराहम किए थे। कैमरामैन सफदर अब्बास के साथ असलम बलोच, रोही न्यूज, भक्कर। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अहम खबर के साथ। सियासी गहमा गहमी के हवाले से बात करते हैं। सूबाई जनरल सेक्रेटरी पीएमएल सरदार अवैस लगारी की इस्लामाबाद में मरियम नवाज से मुलाकात। अवैस लगारी ने मरियम नवाज को पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मीटिंग में आइंदा इंतखाबात के हवाले से लाए अमल बारे गुफ्तगु भी हुई है। अवैस लगारी ने पंजाब में तंजीमी अमूर बारे मरियम नवाज को आगाह किया। मरियम नवाज की जानिब से अवैस लगारी को अहम हिदायत जारी की गई हैं। आपको बता रहे हैं, सूबाई जनरल सेक्रेटरी पीएमएल सरदार अवैस लगारी की इस्लामाबाद में मरियम नवाज से मुलाकात हुई है। अवैस लगारी ने मरियम नवाज को पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी है। मीटिंग में आइंदा इंतखाबात के हवाले से लाइहा अमल बारे गुफ्तगू हुई है। अवैस लगारी ने पंजाब में तंजीमी अमूर बारे मरियम नवाज को आगाह किया। मरियम नवाज की जानिब से अवैस लगारी को अहम हिदायत जारी की गई हैं। मियांवाली में बकरा ईद करीब आते ही शहरों के मसाइल बढ़ गए। घास की कीमतें आसमान छूने लगी। मकई का चारा 750, बाजरा 350, जबकि लोसन 800 रुपए मन फरोख्त होने लगा। कुर्बानी के जानवरों के लिए चारा खरीदना मुश्किल हो गया। अख्तर मजाज रिपोर्ट करेंगे। बकरीद करीब आते ही मियांवाली के बासियों की मुश्किलात बढ़ गईं। चारे की कीमतें आसमान छूने लगीं। शहरी कहते हैं घास की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। दुकानदारों से पूछें तो वो कहते हैं चारा पीछे से महंगा मिल रहा है, वो कैसे सस्ता फरोख्त करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत को घास की कीमतें कम करवानी चाहिए। मैं मकई गिनने वास्ते आया। मकई की कीमत 400 रुपए फी मन, और कहना कह मेरे मैं लूसन भी गिन गिनना। दिन ब दिन जेड़े के जिम्मेदार लोग हैं ये अपनी डिमांड पक्की रखी पैन। मैं इन्हें गल करें ना भाई यार गल भाई कोई मेहरबानी करो, कोई थोड़ा पम सारे नाल तावन करो। दुकानदारों को कहना था कि जमींदार घास सस्ती देंगे तो वो भी सस्ती फरोख्त करेंगे। मकई का चारा 450, बाजरा 350, जबकि लूसन 800 रुपए मन फरोख्त हो रहा है। मजबूर आंदा दुकानदार सारा भी घास थोड़ा आंदा, लेकिन इतनी बचत को नहीं। 300 तो गिन के 350 दे दे पा, 300 भी तो मकई गिनया, 400 तो दे दे पा। बिजली किराया वगैरह बहुत सन 500-600 तो गिन के 850-800 तो मान दे पा। ये कहू सानू भी बचत कौन है, सारा घा भी थोड़ा आता पी है, गिरान भी बहुत मजबूर ये भी थोड़ा सा तावन किया। दुकानदारों ने बताया कि इन दिनों चारे की किल्लत के बायस कीमतें ज्यादा हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। ईद कुर्बान करीब आते ही शहरी ओलिया में मवेशी मंडियां सज गईं, जहां शहरी कुर्बानी के लिए मवेशी खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों ने अपने जानवरों के बनाव सिंगार के लिए गानी, हार और घुंघरू खरीदना भी शुरू कर दिए, लेकिन बढ़ती महंगाई से शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ईद कुर्बान की आमद में चंद रोज ही बाकी है। मुल्तान में मवेशी मंडियों की तादाद में इजाफा होने लगा। हजूरी बाग रोड पर पुरानी बकर मंडी में भी जानवरों की फरोख्त जारी। महंगाई के बायस शहरी अभी सिर्फ जानवर देखने तक ही महदूद है। इस महंगाई से दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान नजर आते हैं। पिछले सालों की निस्बत काफी महंगाई है। इस साल मटेरियल काफी महंगा हो गया, चीजें काफी महंगी, इंपोर्ट के मामला भी आपके सामने जो जो जैसे हो रहे हैं, तो कस्टमर का रुझान काफी कम है इस साल ना हमारे साथ परचेजिंग का, ये जानवरों की सजावट के हवाले से। शहरी जानवर खरीदने के बाद बनाव सिंगार के लिए हार, घुंघरू और गानी ना खरीदें ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। शहरियों का कहना था कि जानवर खरीदने के बाद इनकी सजावट बहुत जरूरी होती है। दुकानदारों का कहना था कि इस मरतबा महंगाई की शरह गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा है। मरतबा जो है ना थोड़ा कम रेट था, अब तो आग लगा दी। हम हर साल की तरह इस साल भी जानवर को सजाने के लिए सामान लेने आए हुए हैं, और इस दफा बहुत महंगा माल मिल रहा है, और हम इस दुकान पे आते हैं हर साल। ईद कुर्बान पर इंतजाम की तरफ से ताहाल कोई बकरा मंडी नहीं लगाई जा सकी। कैमरामैन वसीम रियाज और साथी रिपोर्टर शकील सुल्तान के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। वेलकम बैक। रहमान खान में प्रोफेसर मोहम्मद खलील ने डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मोहम्मद खलील का इस मौके पर कहना था कि जिला के कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ तालीमी मयार को मजीद बेहतर करेंगे। तफसीलात के लिए देखते हैं आमिर भट्टी की रिपोर्ट।
رحیم یار خان میں خواجہ فرید کالج کے شعبہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر محمد خلیل ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز تعینات۔ پروفیسر محمد خلیل اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے لیے دفتر پہنچے تو افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے پھولوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز محمد خلیل کا روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ضلع میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز تعینات ہونے پر دلی خوشی ہوئی۔ افسران اور عملے کے ساتھ پہلی تعارفی میٹنگ ہوئی جس میں افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ضلع کے تمام کالجز میں ترقیاتی اسکیموں کی پیش رفت اور مسائل بارے آگاہی حاصل ہے۔ ضلع کے کالجز میں انفراسٹرکچر کو ترجیحی بنیادوں پر بہتر کریں گے۔ جی، سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جگہ کام کرنا ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور مجھ سے پہلے میڈم سعدیہ اس کام کو سر انجام دے رہی تھی اور بہت اچھے طریقے سے کام کو کر رہے تھے، ساری ٹیم بہت اچھی ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی کمیونٹی کی بہتری کے لیے ہوگا، کالجز کے انفراسٹرکچر کے لیے ہوگا، شہر کے لیے ہوگا، تو تعلیم کا انشاءاللہ معیار پہلے سے کوشش کریں گے مزید اس کو بہتر کیا جائے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تعلیم کی سہولیات ہر اسٹوڈنٹ تک پہنچائیں گے تاکہ بہترین سہولیات میں طلبہ و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکیں۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ میاں والی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، لیبورٹری ٹیسٹ کے ریزلٹ اب گھر بیٹھے موبائل پر ملیں گے۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر امیر احمد نے بتایا کہ اب لوگوں کو ریزلٹ کے لیے لیبورٹری کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ اکثر مجاز رپورٹ کریں گے۔ میاں والی کے باسیوں کے لیے صحت کے شعبے سے اچھی خبر سامنے آ گئی۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر امیر احمد خان نے بتایا کہ اب لوگوں کو ریزلٹ کے لیے لیبورٹری کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ موبائل ایپ کے ذریعے لوگوں کو آسانی دی جا رہی ہے، لیبورٹری ٹیسٹ کے ریزلٹ موبائل پر مل جائیں گے۔ پنجاب کا پرائمری سیکنڈری میں پہلا ڈسٹرکٹ ہوگا جس میں ہم اب موبائل پہ لوگوں کو اپنے لیب کے ریزلٹ گھروں میں مل جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ باہر بیٹھنا پڑے گا، ویٹ کرنا پڑے گا، وہ اپنے کام کریں، ان ٹائم جو بھی ان کا ڈیو ٹائم ہے اس پہ رپورٹ جنریٹ ہوگی اور سسٹم ان کو بھیج دے گا اور لنک سے وہ اپنی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ ایم ایس ڈاکٹر امیر احمد خان کا کہنا تھا کہ پنجاب سرکار نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ہدایت کی ہے، ہسپتال کے تمام شعبوں میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ یہ جو لیب ہے اس میں پرائمری سیکنڈری میں پہلی لیب ہے جو انٹیگریٹڈ لیب ہے، اور یہ بڑی اچھی لیول کی لیب جائیں، جیسے آغا خان ہو گیا، یا شوکت خان ہم، یا جو دوسری لیبز ہیں، زینت لیب ہو گئی یا سٹی لیب ہو گئی، جن میں یہ لوگ یہ لیبز کام کر رہی ہیں، تو اس لیول کی لیب ہمارے ہاسپٹل میں کام کر رہی ہے، تو اس سے لوگوں کا بہت بڑا بھلا ہوگا۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر امیر احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ اگلے سوموار سے مینوئل ریزلٹ سسٹم بند کر دیا جائے گا، اینڈرائڈ استعمال نہ کرنے والے شہریوں کو کال کر کے ریزلٹ کے لیے بلایا جائے گا۔ کیمرامین شیراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، ملتان میں سینئر ایڈوکیٹ شیخ ارشد محمود کی کتاب مارکیٹ میں آ گئی۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان نے کتاب آسمان عدلیہ کے تابندہ ستارے کی رونمائی کے لیے تقریب سجائی۔ تقریب کا احوال جاننے کے لیے دیکھیے ماہر عمران کی رپورٹ۔ سینئر قانون دان شیخ ارشد محمود ایڈوکیٹ کی کتاب آسمان عدل کے تابندہ ستارے کی تقریب رونمائی سجائی گئی۔ صدر بار رانا آصف سعید نے تقریب کی صدارت کی۔ جنرل سیکرٹری مہر حسیب قادر نے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض ادا کیے۔ جسٹس ریٹائر عباد الرحمان لودھی اور جسٹس ریٹائر سردار احمد نعیم کا کہنا تھا کہ ملتان شہر اور بار سے ہمیں پیار ہے اور ہم اسے اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ ملتان بار میں بہت سی اچھائیاں ہیں جن میں ایک حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے۔ یہ کتاب ایک تاریخ ہے، اور جس طرح اب شیخ صاحب نے فرمایا کہ دوسرا ایڈیشن آئے گا اور اس میں مختلف شخصیات اور بھی آئیں گی، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے یہ۔ اور وکیل کے ہاتھ میں تو کتاب ہمیشہ موجود رہتی ہے، وکیل کا رابطہ کتاب سے کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ لائف ممبر شپ دی تھی، تو مجھے انتظار اس بات کا تھا کہ آج میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان میں ایز جج یا ریٹائر جج نہیں جاؤں گا، آج میں اس بار میں بینگ ممبر آف دیٹ بار جاؤں گا۔ تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ ججز الوکلا کا اصل مقام اس کی بار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ شیخ ارشد کی لکھی گئی کتاب ہمیشہ ملتان کی یاد دلاتی رہے گی۔ کتاب میں 40 سے 50 سال کی تاریخ موجود ہے جو نوجوان وکلا کے لیے رہنمائی کا کام کرے گی۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ابھی بے شمار شخصیات ہیں جو اس کتاب میں شامل ہونے سے رہ گئی ہیں، مگر اس کی فروخت آپ کی دلچسپی
और पजीराई की वजह से मैं आज इस फोरम पर दूसरे एडिशन का ऐलान करता हूँ। किताब की शक्ल देनी चाहिए। अब आपको मैं सच बताऊं तो इस किताब के पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि काश मैं ये किताब 87 में पढ़ लेता जब मैं जज नहीं बना था। जो कुछ मैंने इस किताब से अभी सीखा है वो मैं उस वक्त सीख लेता। तकरीब में जस्टिस रिटायर मियां जफर यासीन, मेंबर पाकिस्तान बार मिर्जा अजीज अकबर बेग, इश्तियाक शाह, उसामा बहादुर, अयूब बुलदार, महर इरशाद अराई, मोहम्मद जफर इकबाल समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन राना बिलाल के साथ महर इमरान नवाज, मुल्तान। मुल्तान में रंगारंग समर शॉपिंग फेस्टिवल सजाया गया। फेस्टिवल में गर्मियों के मलबूसात, ज्वेलरी, मेकअप और बनाव सिंगार के दीगर सामान की नुमाइश की गई। फेस्टिवल के अहवाल जानने के लिए देखिए सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। मुल्तान में बिजनेस करने वाली खवातीन के लिए एहसन इकदाम, कारोबारी खवातीन को बिजनेस प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए रंगारंग शॉपिंग फेस्टिवल सजा दिया गया। फेस्टिवल में गर्मियों के मलबूसात, ज्वेलरी और बनाव सिंगार के दीगर सामान की नुमाइश की गई। खवातीन की बड़ी तादाद ने शॉपिंग फेस्टिवल में शिरकत की। हाथ का काम करने वाली खवातीन, ठीक है, जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, जिन्होंने अपने न्यू प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किए हैं या जिनका बिजनेस मिडिल लेवल तक पहुंच चुके हैं, वो सारी खवातीन हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। हम बेसिकली एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ठीक है, सबको। ऑनलाइन काम करने वाली खवातीन जिनके अपने आउटलेट्स नहीं हैं, जिन्हें कोई प्लेस अवेलेबल नहीं है जहाँ उनको डायरेक्ट कस्टमर इंट्रैक्शन का कोई मौका मिल सके, तो उसके लिए हम लोग प्रॉपरली एक ये एग्जीबिशन का सेटअप हमने मुल्तान में न्यू स्टार्ट किया है। रमजान शरीफ में भी हमने रमजान बाजार के नाम से करवाया था। फेस्टिवल में शरीक खवातीन ने ईद के लिए खूब शॉपिंग की। हैंडमेड ज्वेलरी, कढ़ाई वाले मलबूसात, मेकअप के सामान वाले स्टॉल्स खवातीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। मैंने अपने कपड़ों का मतलब स्टॉल लगाया, ब्रांड्स के सूट है मेरे पास और हैंडमेड वर्क भी है कुछ, और मैं आउटलेट से कम रेट पे दे रही हूँ। जैसे अभी ये देखें लेटेस्ट मतलब 8790 प्राइस है इसकी, ठीक है, मैं ये 10% ऑफ में दे रही हूँ। ये मतलब जो अभी, और मैं स्टॉक वो लेके आई हूँ जो कि अभी मतलब आउटलेट्स पे मौजूद है और फुल रेट पे सेल हो रहा है। शॉपिंग फेस्टिवल में ऑनलाइन बिजनेस करने वाली खवातीन ने मुख्तलिफ स्टॉल्स पर अपनी मसनूआत फरोख की और ईद की खरीदारी पर खसूसी डिस्काउंट भी दिया। इस फेस्टिवल के जरिए खवातीन को ना सिर्फ उनके ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करने का एक मौका मिला है बल्कि यहाँ आकर दीगर खवातीन अपनी ईद की खरीदारी भी कर सकती हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। और आपको बताएंगे लैया के शहरी ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कामरान ने 47 मुल्कों का सफर साइकिल पर मुकम्मल किया। इंतजामिया ने कामरान ऑन बाइक के एहसास में साइकिल रैली का इनेकाद किया और तकरीब भी सजाई। कामरान ऑन बाइक का कहना था कि इसने जर्मनी, यूरोप और मिडल ईस्ट समेत 56,000 किलोमीटर का सफर साइकिल पर तय किया। जायद सरफराज रिपोर्ट करेंगे। लैया के शहरी ने 47 मुल्कों का सफर साइकिल पर मुकम्मल कर लिया। इंतजामिया की जानब से कामरान अन बाइक के एजाज में साइकिल रैली निकाली गई और तकरीब भी सजाई गई। डिप्टी कमिश्नर, DSO, DO माहौलियात समेत दीगर अफसरान और शहरियों ने शिरकत की। आलमी साइकिलिस्ट कामरान अन बाइक का कहना था कि इसने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। कामरान अन बाइक का कहना था कि उसने जर्मनी, यूरोप और मिडल ईस्ट समेत 56,000 किलोमीटर का सफर साइकिल पर तय किया। मेरे लिए एक बड़े एजाज की बात है की 47,000 किलोमीटर करने के बाद 56,000 किलोमीटर चलाने के बाद वापस लैया आना, लैया में साइकिल चलाना और इस रैली का पार्ट बना। अर्जेंटीना से वो सफर स्टार्ट हुआ, पूरा जनूबी अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जिसमें US, कनाडा में वो 4 साल के बाद वो खत्म हुआ, और उसके बाद अभी जो है वो मिडल ईस्ट का सफर था। ओमान से शुरू हुआ, UAE और सऊदी अरब में उमरा करके मैं फिर अभी पहुंचा हूँ। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज का कहना था कि साइकिल रैली कामरान को खराज तहसीन पेश करने के साथ गो ग्रीन का स्लोगन भी है। इस रैली का मेन मकसद जो था वो कामरान अन बाइक को एक्नॉलेज करना था, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाना था और उसका तारफ कराना था अपने लैया शहर के अवाम तक, पाकिस्तान तक और दुनिया तक। तो लोगों ने जिस तरह इसको रिस्पॉन्ड किया और लोगों ने जिस तरह इसमें शिरकत की है, हमारा वो मकसद पूरा हो गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कुद्दुस नाज का कहना था कि कामरान अन बाइक लैया और पाकिस्तान का फखर है। जी, आज ये साइकिल रैली हमने लैया में मुनक्किद की है, इसके दो मकासद हैं। इसमें एक तो ये है कि हम एनवायरनमेंट को ग्रीन करना चाहते हैं और उसको इनकरेज करते हैं। दूसरा ये कि कामरान अन बाइक क्योंकि हमारे एक नेशनल, नॉट जस्ट नेशनल बल्कि इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हैं, तो हम उन्हें एक्नॉलेज करना चाहते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इनसे इंस्पायर हों और इस तरह की एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल। आलमी साइकिलिस्ट को देखकर शहरी भी खुश नजर आए और बेहतरीन इवेंट पर जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लैया। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।